आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में। और आज जो हम बात करेंगे वो आपका जो घरेलू समरसेबल है वो कम से कम खर्चे में आप कैसे चला सकते हैं। देखिए, आप लोग सोलर की तरफ जाना तो चाहते हैं लेकिन आपके पास जो इशू आता है वो बजट का आता है, क्योंकि आजकल कोरोना महामारी में बेरोज़गारी और बिल्कुल काम धंधे बिल्कुल कम होते जा रहे हैं, तो इकोनॉमिक संकट से ज़्यादातर देश की जो जनता है इकोनॉमिक संकट से जूझ रही है। तो ऐसे में आप चाहते हैं कि कम से कम बजट में कम से कम पैसे खर्च करके मेरा समरसेबल चल जाए, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आज यही जानकारी दूंगा कि आपको कम से कम खर्चे में अपना जो घरेलू समरसेबल है 1 HP का, जो आप घर पे लगा हुआ होता है आपकी टंकी भरने के लिए, अगर वो आपको 15-20 मिनट सुबह और 15-20 मिनट शाम चलाना है तो कम से कम कितने बजट में आप उसे चला सकते हैं और क्या क्या चीज़ रिक्वायर होगी, उनकी क्या क्या कॉस्ट होगी, और एक घरेलू समरसेबल को चलाने के लिए मिनिमम कितना बड़ा सिस्टम चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक रहिए। मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव, और अगर आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे मैं सोलर से संबंधित जानकारियां देता हूं, नई नई जो भी इनोवेशंस होते हैं सोलर में वो आपको देता हूं, प्लस प्रयास करता हूं आसान शब्दों का यूज़ करते हुए आप सोलर की तरफ जुड़ सकें, आप कम से कम बजट में कैसे सिस्टम को लगा सकते हैं और किस प्रकार आप सिस्टम को इंस्टॉल करें, ये सारी जानकारियां मैं अपनी सारी वीडियो में देता हूं। तो आप सोलर से अगर टच हैं, सोलर का व्यवसाय करते हैं, या आपका भविष्य में आपको सोलर का बिजनेस करना चाह रहे हैं, अपने घर में सिस्टम लगाना चाह रहे हैं, सोलर से संबंधित जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों और वेल आइकॉन भी दबा दें दोस्तों, चूँकि आजकल जो YouTube है इसका जो सब्सक्राइबरों को भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है अगर आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया है, तो अगर आप बेल आइकॉन भी दबा देंगे तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा, जो भी नई जानकारी की वीडियो मैं दूंगा उसकी आपको तक जानकारी पहुंचेगी, तो बेल आइकॉन भी दबा दें। तो दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा आपको कि कम से कम बजट में कैसे आप एक ऐसा सिस्टम चलाएं जो आपका घर का लोड भी चला ले और साथ में समरसेबल भी चल जाए। तो दोस्तों जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा, अगर समरसेबल का टाइम कम है, मतलब मान लिया 15-20 मिनट सुबह चाहते हैं और 15-20 मिनट शाम, तो आप कम से कम बजट में कैसे चालू करें। तो दोस्तों किसी भी सिस्टम को लगाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सोलर पैनल, क्योंकि जहाँ हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें सोलर ही ना हो तो वो सोलर सिस्टम नहीं रहा, तो सबसे महत्वपूर्ण सोलर है, और सोलर ही जो जनरेशन करता है, करंट बनाता है, वो सोलर ही बनाता है। तो पहले हम सोलर पैनल की बात करेंगे, तो सोलर पैनल भी हमें अच्छी क्वालिटी का लेना है, और मैं जो बात करूंगा जो नेक्सस के 420 वाट के जो सोलर पैनल है उसके बारे में बात करूंगा। तो आप दो पैनल ले लेंगे शुरुआत में, अगर अभी आपका बजट कम है तो शुरुआत में आप दो पैनल के साथ भी इस सिस्टम को बना सकते हैं। आपने PWM टेक्नोलॉजी के साथ, चूँकि बजट कम की हम बात कर रहे हैं और अच्छी टेक्नोलॉजी, कम बजट में भी अच्छी टेक्नोलॉजी की, जो बार बार आपको पैसा इन्वेस्ट ना करना पड़े और उस पैसे को आप से जब आपका बजट बनता रहे तो आप बड़ा करता चले जाएं अपने सिस्टम को और पावरफुल बनाते चले जाएं, पर शुरुआत आपकी कम से कम हो जाए जिससे आपका काम चलता रहे। जैसा मैंने बताया कि इकोनॉमिक संकट को देखते हुए, इकोनॉमिक समस्याओं को देखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आप सोलर की तरफ जुड़ जाएँ और कम से कम बजट में जुड़ जाएँ। तो आप शुरू में दो पैनल ले लेंगे दोस्तों, 420 वाट का आजकल पैनल आ रहा है नेक्सस का, आपने देखा है बायोफेशियल मोनोपर्क, वो आप दो पैनल ले लेंगे, और एक आपने लेना है PCU या इन्वर्टर, एक आप सोलर इन्वर्टर ले लेंगे PWM टेक्नोलॉजी का, बजट अच्छा है तो आप MPPT ले सकते हैं, अभी बजट का इशू है तो कम बजट में अच्छा चाहते हैं तो आप 3175 नया मॉडल कंपनी ने लॉन्च किया है, वो घरेलू समरसेबल चला सकता है, आपका TV पंखा लाइट फ्रिज वॉशिंग मशीन इस तरीके का जो लोड है वो चला सकता है, 2000 वाट तक के जो लोड है, जर्क लोड जिनका 2000 वाट तक का यानी 8 एम्पीयर तक का जो जर्क लोड है उसे वो चला देता है आराम से। तो 1 HP के समरसेबल के लिए वो सफिशिएंट है, आप चाहते हैं कि कम बजट में आपका काम हो तो आप ले सकते हैं, उसकी कॉस्ट लगभग 20,000 के आसपास है वेबसाइट पे जैसा आप देख रहे हैं, तो अप्रोक्स में एक PCU ले लेंगे आप, चूँकि 24 वोल्ट PCU है तो दो बैटरी आपको दोस्तों लेनी पड़ेगी, तो दो बैटरी ले लेंगे कोई भी C10 अच्छी टेक्नोलॉजी की, दो C10 बैटरी ले लेंगे 150 एम्पीयर, अगर बजट का इशू है और नहीं है तो 200 एम्पीयर भी ले सकते हैं, पर 150 एम्पीयर आप दो बैटरी ले लेंगे, हाइब्रिड दो बैटरी आपने ले ली, दोनों बैटरियों का आपने कनेक्शन किया, PCU लगा दिया, अब चूँकि बिजली भी है अगर आपके पास अभी तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, बिजली से भी चार्ज होता रहेगा, आप चाहते हैं कि ग्रिड से चार्ज ना हो, बस मेरा दिन में थोड़ा समर चला दे और कुछ पंखा वंखा चलता रहे, तो आप दो पैनल ले लेंगे, दो पैनल का उस पर कनेक्शन कर देंगे, तो दो पैनल लगभग लगभग आपका इतना जनरेशन कर देंगे कि बैटरी को लगभग लगभग 70-80% चार्ज कर देंगे पूरे दिन में। तो आपको चूँकि 15-20 मिनट समर सुबह चलाना है
तो 70-80% अगर बैटरी आपकी चार्ज है तो आप 15 मिनट लगातार समर चला के बंद कर देंगे, फिर उसके बाद में अपना हल्का लाइटली लोड जो है जैसे पंखा हो गया, आपका लाइट वगैरह हो गया, मोबाइल चार्ज हो गया, इस तरीके का लोड चला सकते हैं। उसके बाद में बैटरी शाम के टाइम तक अगर, चूँकि दो पैनल है हमारे पास, पैनल कम है और जैसा मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में बताया, एक बैटरी को चार्ज करने के लिए कम से कम, अगर फुली चार्ज करनी है तो कम से कम 600 वाट पैनल एक बैटरी पे चाहिए, यानी 1200 वाट पैनल हमें कम से कम चाहिए, लेकिन हम दिन में हम चला भी रहे हैं तो हमें अभी 800 वाट हम पैनल के साथ काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि पैनल अभी हम कम लगा रहे हैं तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हुए हम चाह रहे हैं कि कम बजट में हमारा अभी सिस्टम चले, 2-4 महीने बाद बजट बनेगा फिर दो पैनल और ले लेंगे हम, तो अभी आप दो पैनल के साथ में शुरुआत कर सकते हैं। तो इसमें आप अपना, मैंने बताया, पैनल लगा लेंगे और सिस्टम को आप अपना चालू कर लेंगे तो ये कम बजट में दोस्तों आपका सिस्टम चालू हो जाएगा, इससे आपका समर सेविल चल सकता है, सुबह शाम 10-10, 15-15 मिनट अपना टैंक भरना है, अपना दिन के टाइम में लाइट पंखा चला सकते हैं, इस तरीके का लाइट ले ली जो लोड है, चूँकि अभी हैवी लोड आप दिन में फ्रिज भी चलाएंगे और समर भी चलाएंगे तो ये वहाँ आपको सफलता नहीं मिलेगी आपके मन मुताबिक, चूँकि मैंने बताया भाई सोलर का जनरेशन एक बैटरी के लिए मिनिमम 600 वाट चाहिए चार्जिंग के लिए, वो फुल चार्ज ही नहीं होगी तो रात का बैकअप भी कम आएगा, लेकिन अगर शुरुआती कंडीशन में आप चाहते हैं कि थोड़ा एडजस्ट करके हम चला सकते हैं तो ये सिस्टम आप शुरुआत कर सकते हैं, बाद में जैसे ही आपका बजट बढ़े तो आप दो पैनल और ले लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का बस मेरा उद्देश्य यही था कि आप कम बजट में अपने सिस्टम को चालू कर लें, कम से कम आपका सिस्टम चालू हो जाए, अगले फेज में आप फिर आपका बजट बनेगा तो फिर आप दो पैनल जोड़ देंगे तो आपका सिस्टम बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ इंडिया में जो मीडियम मध्यम आदमी है वो चाहता है कि मुझे किस्तों में या इंस्टॉलमेंट में मेरा सिस्टम बड़ा होता रहे, तो आप कहीं से किस्त में ना लेके, लोन ना लेके, क्रेडिट कार्ड से लोन ना लेके सीधा अपने आप ही स्टेप में इस काम को कर सकते हैं। पहले बैटरी इन्वर्टर भी ले सकते हैं आप, पैनल ना लें, उससे बिजली से चला सकते हैं, उसके बाद में पैनल ले सकते हैं और पैनल भी कम से कम चाहें तो दो पैनल के साथ भी आप शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी ना हो, आपका समय ज़्यादा ना बिगड़े, मैं शॉर्ट शब्दों में कोशिश करता हूँ कि आपको कम्प्लीटली जानकारी दूँ, फिर भी आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं और कीमत की बात रह जाती है। मैंने अभी पिछली वीडियो लोड की थी तो उसमें लोगों को कमेंट्स थे कि आपने कीमत नहीं बताई, जो कि मैंने शुरू में बोला था कीमत बताने के लिए। तो इस पैनल की अगर 420 वाट की हम बात करें तो जो कि मोनोपर्क पैनल है नेक्सस का, उसकी जो कीमत है वो 17,200 है विद GST, अभी कुछ रेट बढ़ गया है वेबसाइट पर, लेकिन अभी कंपनी स्कीम चला रही है उसमें 17,200 की आप इसे ले सकते हैं, जो आप पैनल खरीद सकते हैं अभी, जो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा वहाँ बात करके, या जो कंपनी के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके माध्यम से अभी आप इस पैनल को खरीद सकते हैं 17,200 का, 420 वाट का जो पैनल है 24 वोल्ट में। रेट समय के आधार पर घटते बढ़ते रहते हैं दोस्तों, तो वीडियो चूँकि पुरानी हो जाएगी आप वीडियो को इशू बनाएंगे या स्क्रीनशॉट भेजेंगे सेल्स एग्जीक्यूटिव के पास कि आपने विजय जी ने एक वीडियो में इतने रेट बताए थे और कंपनी इतने का दे रही है, तो ये मैंने बताया रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, मार्केट के आधार पर होते हैं, रेट फिक्स नहीं होते हैं, पर मैंने एक अप्रोक्स में आपको रेट बता दिया है। जैसे आपने दो पैनल लिए तो 17,200 के दो पैनल हो गए तो आपका 17×2=34 और लगभग 34,500 रुपये में आपका पैनल आ गया, 20,000 का एक PCU हो गया तो 34,500 प्लस 20,000 मतलब आपने 3375 लिया कॉपर मॉडल तो ये आपका हो गया, उसके साथ दो बैटरी लिए आपने, आप 25,000 रुपये की राउंड फिगर में बैटरी लगा लें तो आपका जो सिस्टम है ये राउंड फिगर में मैं अप्रोक्सली कॉस्ट बता रहा हूँ तो लगभग आपका 75,000 से 80,000 के बीच में आप अपना सिस्टम शुरू कर सकते हैं, अगले फेज में आप दो पैनल और बढ़ा लेंगे इसमें तो ये सिस्टम आपका चलता रहेगा दोस्तों। दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएं जो सोलर के साथ जाना चाहते हैं, अभी बजट कम है, और मेरी वीडियो वहाँ अंत तक रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हों जिनका मैं आंसर नहीं दे पाया हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं, प्रत्येक कमेंट्स का मैं स्वयं पढ़ के जवाब देता हूँ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार फिर कहता हूँ चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देता हूँ दोस्तों, बस मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि आप लोग मुझे मेरे चैनल पर आ रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और मैं सोचता हूं कि अगला टॉपिक क्या दूं, मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो साथी हैं उनकी क्या समस्या है और मैं क्या टॉपिक पर अगली वीडियो दूं। तो अगर आप चाहते हैं अगली वीडियो किसी आपका टॉपिक है और आप चाहते हैं कि उस पर एक वीडियो दी जाए तो मैं उस पर भी सर्च करके कोशिश करूँगा वीडियो देने की, तो वो भी आप मेरे कमेंट्स में लिख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।